नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, फिलहाल अभी के टाइम रिलायंस पावर में दोस्तों लगातार जो छप्पर फाड़ रिटर्न अभी के टाइम वापस देखने को नज़र आ रहा है। तो कमेंट से देखने को मिल रहा है कि क्वार्टर फोर पहले वापस क्या शेयर 50 को प्लस क्रॉस कर पाएगा, क्या नया जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे ब्रेक कर पाएगा। साथ ही साथ दोस्तों क्या क्वार्टर फोर में डिविडेंड बोनस कुछ मिलेगा या नहीं, तो वो भी जानने वाले हैं। और अभी के लिए दोस्तों चार्ट पैटर्न किस प्रकार का देखने को मिल रहा है तो वो भी रीड करने वाले हैं। तो जानकारी काफ़ी अहम होने वाली है, तो एंड तक बने रहना। प्राइस के रूप में अगर जाने तो 26 रुपये 30 पैसे पर आज की क्लोजिंग नजर आई है। आज की ओपन हाई और लो तीनों जो प्राइस है वो सेम नजर आई है और उसी प्राइस पर क्लोजिंग नजर आई है। क्योंकि दोस्तों आज अगर देखा जाए तो दोस्तों आज के चार्ट पर जो दोस्तों एक खासकर जो चीज़ देखने को मिली है, 180 डिग्री का जो कोण है वो देखने को मिला है और इस पर कुछ देखने को मिला नहीं है। क्योंकि रैली जो ओपनिंग के वक्त नजर आई थी वो क्लोजिंग तक कंटिन्यूसली रही, कोई दोस्तों उतार चढ़ाव मिला नहीं है। पर इस विपरीत अगर हम सिंगल 5 सेशन पर नजर डालें तो दोस्तों सिंगल 5 सेशन में 13.36% की रिटर्न स्ट्रॉन्ग छप्पर फाड़ रिटर्न कंपनी ने ऑलरेडी पे आउट किया है। और लगातार जो टेक्निकली और फंडामेंटली जो डेटा है उसमें सच में दोस्तों एक बढ़िया रैली नजर आई है। पर दोस्तों अभी के टाइम अगर देखा जाए उससे विपरीत लास्ट एक महीने के ऊपर, तो लास्ट एक महीने में दोस्तों जो प्राइस लगभग 25.5 रुपये से ऊपर जो देखने को नजर आ रही थी, जो लगभग 13 मार्च को दोस्तों 20.40 रुपये तक भी गिरावट नजर आई थी। फिर गिरावट के बाद अब दोस्तों जो वापस बढ़िया रिवर्सल नजर आया, उसके पीछे का रीजन ये देखने को मिला कि दोस्तों जो है रिलायंस पावर जो बैंकों का कर्ज काफी तेजी से यहाँ पे पे आउट करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार बैंकों का जो कर्ज यहाँ पे जो रिलायंस पावर के ऊपर देखने को नजर आ रहा था, तो धीरे धीरे अब जो है कर्ज को तेजी से कम करता हुआ नजर आ रहा है। और अभी के टाइम रिलायंस पावर का दोस्तों जो एम जो टारगेट है अभी के टाइम तो देखने को मिल रहा है कि आने वाले 3 से 5 साल के अंदर अंदर टोटल कर्ज को खत्म करना और एक अच्छी मार्केट में वैल्यू बनाना, ये अभी के टाइम काफ़ी बड़ा एम और टारगेट यहाँ पर देखने को नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस रिजल्ट के अंदर अगर क्वार्टर फोर की खासकर हम बात करें तो क्वार्टर फोर में दोस्तों भले ही कंपनी को प्रॉफिट लॉस उस चीज़ का मायने अब नहीं रखने वाला, क्योंकि अभी के टाइम कंपनी का फ्यूचर डिपेंडेबल डेटा के तौर पर नजर आ सकता है। क्योंकि अभी के टाइम जिस प्रकार रिलायंस पावर अभी अपने कर्ज को तेजी से कम कर रही है, तो ऑलरेडी हम लोगों को दोस्तों इस बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कर्ज अगर तेजी से कम कर रही है तो आने वाले फ्यूचर में लगातार जो ग्रोथ है वो कंपनी की किस प्रकार के देखने को मिलने वाली है। और वर्तमान में दोस्तों बिजली जो गर्मियों का जो सीजन है वो भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो अभी के टाइम कंपनी को ऑलरेडी जो रेवेन्यू है वो भी काफी ज्यादा देखने को रिसीव्ड होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो रिलायंस पावर के जो शेयर होल्डर्स है तो उनकी एक बढ़िया लॉटरी लगती हुई नजर आ सकती है। और अभी के टाइम मार्केट में दोस्तों जो बाइंग ऑर्डर है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यू के साथ देखने को नजर आ रहा है। तो अभी के टाइम दोस्तों शेयर होल्डर जिस प्रकार बाइंग ऑर्डर लगा रहे हैं मार्केट में होल्डिंग यहाँ पे देखने को नजर आई, तो उसके विपरीत तो दोस्तों मेरा तो यही सजेशन रहने वाला है कि फिलहाल होल्डिंग अच्छी देखने को नजर आ रही है। फिलहाल आप आगे बढ़ने से पहले बता दो, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों रिलायंस पावर में आज के बाइंग ऑर्डर पर अगर बात की जाए तो दोस्तों बाइंग ऑर्डर काफ़ी हाई लेवल का नजर आएगा। 27,78,076 शेयर आज के सेशन पर बाइंग ऑर्डर लगी है 26.30 रुपये के ऊपर। इस बीच दोस्तों मार्केट में अगर हम बात करें दोस्तों लगातार वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम दोस्तों 72.81 लाख की नजर आई है। अब रेवेन्यू की अगर बात की जाए, इनकी जो वैल्यू की अगर बात की जाए, तो 19.15 करोड़ की आज की जो वैल्यू है वो देखने को नजर आ रही है। और अभी के टाइम काफ़ी अच्छी जो है लगातार मार्केट कैप में भी जंप देखने को नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक अच्छा टारगेट जल्दी हम लोगों को नजर आ सकता है। और कंपनी अभी के नाम को दोस्तों कोई एएसएम लिस्ट में भी देखने को नहीं मिल रही, तो ये एक बढ़िया हम लोगों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज यहां पे निकल के आ रही है फिलहाल चार्ट एनालिसिस की ओर। अब दोस्तों इंट्राडे में अगर आज के चार्ट पैटर्न पर अगर बात की जाए, दोस्तों अभी के टाइम कंपनी का जो चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है तो वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। क्योंकि लगातार मार्केट में जिस टाइम पर का दोस्तों लगातार पिछले टाइम से लगातार सेलिंग ऑर्डर देखने को नजर आ रही थी मार्केट में, तब दोस्तों मार्केट ओवरसोल्ड हुआ, ओवरसोल्ड में दोस्तों मार्केट का अपमूव ट्रेंड देखने को नजर आया और जो चार्ट पैटर्न पर अभी के टाइम काफ़ी अच्छा रिवर्सल देखने को नजर आया है। तो क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम से लगातार मार्केट ओवरसोल्ड जोन को क्रॉस कर चुका था और RSI इंडिकेटर में दोस्तों ओवरसोल्ड जोन का ये मतलब होता है कि 30 अंकों से नीचे अगर यहाँ पे ट्रेड अगर चार्ट पैटर्न अगर वीक जाता है तो मार्केट में रिवर्सल तेजी से बनने के जो आसार हैं वो देखने को मिलते हैं। और जब मार्केट में दोस्तों लगातार जो ओवरबोट अगर देखने को मिलता है और 70 अंकों से ऊपर मार्केट कारोबार करता है RSI इंडिकेटर के ऊपर, तो गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अभी के टाइम मार्केट में वापस जो है रैली देखने को नजर आई है और अभी के टाइम दोस्तों ओनली 9 अंकों की नीड होने वाली है मार्केट में वापस ओवरबोट होने के लिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जल्द ही वापस जो है रैली इस स्टॉक पर स्ट्रॉन्ग जंप के साथ
ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। तो मेरा तो पर्सनल नज़रिया यही देखने को मिल रहा है कि अब एक टाइम हम लोग को होल्डिंग बना लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जब कंपनी कर्ज मुक्त होगी तो डिविडेंड बोनस के तो 100% अनाउंसमेंट बनने का जो आसार है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक अच्छी ग्रोथ एक अच्छे डेटा के दोस्तों निशानी मानी जाती है, और एक अच्छी निशानी के तौर पर दोस्तों कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बोनस एक अच्छा जो प्रॉफिट है वो दे सकती है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका मिल सकता है। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और